सब एवरीवन, दिस इज रेड साइक एंड आज हम लोग जा रहे हैं बदरातो वैली काफ़ी लंबी टाइम के बाद। एंड आज का लाइनअप भाई, आज काफ़ी अच्छा लाइनअप है। बाय द वे, दिस इज अनुराग्स ड्यूक 390, ये आरडी का आरसी 200 है, ये Z900 है, एंड वो हरीश का BS3 390 है, दैट इज़ द ओजी थिंग, और ये अतुल का 250 है। अब पता नहीं, देखो ये जिसको, हाँ बैठ लें भाई। तो फैंस मिल गए थे गाइस, जाने नहीं देते, क्या कर सकते हैं भाई। तुम लोग एग्जॉस्ट नोट सुन सकते हो इसकी गाड़ी का। एंड बाय द वे, ये आज का मेरा बाइक है, विच इज, चले भाई हो गया चले। तो भाई ये है आज का बीस्ट मेरा विच आल राइड। तो ये यशस्वी की डेटोना है, एंड मैं काफ़ी टाइम से यशस्वी को बोल रहा था कि भाई फ्री हो के मेरे को अपनी गाड़ी दे जा, बिकॉज मेरे को चलाने का बहुत ज़्यादा। तो चलते हैं, एंड भाई आज मज़ा आने वाला, आज जो लाइनअप है ना भाई, सेक्स, मेरे को ऐसा मतलब सराउंडेड इतना अच्छा फील हो रहा है ना। चल तो भाई, इसमें जो व्हीलीज लगती है वो काफी सेक्सी दिखती है, देखो कर रहा है सच्ची, मतलब इतना सेक्स रिलीज लगता है इसमें। मतलब नेकेड में तो दिखता है कैसे, चलो ऐसे साइड होके हल्का झुककर हल्का थ्रॉटल लिया एंड व्हीलीज हो रही है, इसमें व्हीलीज इट्स अ डिफरेंट थिंग। एंड इसका जो मीटर कंसोल है ना, ये ब्लू वाला पार्ट, इतना मतलब तुमको ना एड्रेनालिन आ जाएगा बस इसे देखकर। जब वो मतलब आरपीएम हिट करता है ना, तब भाई उसको देखकर ही एड्रेनालिन हिट करेगा तुमको, कि एकदम ब्लू ब्लू कलर का ऐसा फ्लैश मारने लगेगा पूरे मुंह पे, एंड यू विल बी लाइक कुछ तो है अंदर, ब्लू स्पिरिट, वाह व्हीलीज। एंड बाय द वे, इसका जो स्टीयरिंग डैम्पर है तो वो थोड़ा सा ख़राब है, एंड उसके कारण गाड़ी बहुत ज़्यादा ऐसे डगमगाता है। जब व्हीलीज रखते हैं तो पूरा टैंक स्लैपर देता है गाड़ी, तो इसीलिए हम काइंड ऑफ केयरफुल के इसमें बहुत आराम से व्हीलीज हिट करूँ, मतलब थोड़ा सा केयरफुल रह के व्हीलीज हिट करना पड़ेगा। मतलब थोड़ा सा देखो, मेरी बाइक है नहीं, दूसरे की है ना, स्टिल यशस्वी ने मुझे बोला है कि हाँ व्हीलीज मार। यशस्वी ने मुझे बोला है कि तुम व्हीलीज मार सकते हो, बट थोड़ा सा स्टीयरिंग डैम्पर का सीन खराब है। मतलब ये जो टी है ना पूरा बाइक का, ये जो फोक है, ये वाला पार्ट, इट्स थोड़ा सा मेसी, तो इसका कुछ करना पड़ेगा। तो आई नीड टू राइड इट केयरफुली जस्ट बिकॉज दिस बाइक बिलोंग्स टू समवन एल्स। तो एकदम हौले हौले राइड करूँगा। एक्चुअली मुझे नेकेड में आदत है ना व्हीलीज का, एंड इस पे मतलब मारता था मैं, पहले मारता था। अगर तुम लोग मेरा एक पुराना ब्लॉग जाकर चेक करोगे तो उसमें मैं मतलब अच्छा व्हीलीज पॉप कर रहा था इसमें, बट कुछ शायद इशू है इस बाइक में जो मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है। एंड जब कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है तो अपने कैपेबिलिटीज में राइड करना चाहिए। A few moments later. लक्की आ रहा भाई, साथ में व्हीलीज पॉप करेंगे। से मैंने 200 नहीं चलाया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड पतरातू तो मैं 2 महीने के बाद आ रहा हूँ। एंड पता है मैं पतरातू इसीलिए भी आना छोड़ दिया, एक तो मतलब सीन हो गया था बहुत सारा,
कि पुलिस वगैरह वाला एंड जब भी जो भी राइड करने जा रहा है सबको पुलिस पकड़ लेती है। अब क्या सीन है भाई मेरे को पता नहीं, लेकिन पकड़ तो लेती है। तो वही है कि अब थोड़ा सा हम लोग वेट कर रहे थे कि नॉर्मल हो सिचुएशन, एंड आई प्रे टू गॉड कि भाई आज ना पकड़ाए, नॉर्मली सब कुछ चले, क्योंकि आज मेरे को बिल्कुल भी पकड़ाने का मन नहीं है। बाइक भी मेरी नहीं है, मेरी रहती मैं आराम से लेकर बैठ जाता, एंड यश को मुझे बाइक वापस करनी है ना कपल ऑफ आवर्स, तो आई नीड टू बी केयरफुल। पता है उसका क्या सीन है? मतलब यहाँ पे ना जो लोकल लोग हैं उन लोग बिना हेलमेट के घूमेंगे एंड पुलिस कुछ नहीं करती, बट जैसे ही भाई कोई राइडर आएगा एंड वो गेयर्स देखेंगे तुम्हारे शरीर में कि भाई तुमने जैकेट पहन रखा एंड ग्लव्स वगैरह पहन रखे, तो उनको लगेगा तुम रेस करने जा रहे। आई मीन डज दिस मेक्स एनी सेंस? आई मीन क्या है भाई, जाने देते सबको आगे। प्रेइंग स्पॉट है, रिचुअल है ना भाई, क्या कर सकते हैं, यहाँ रुके बिना जा नहीं सकते। भाई गाड़ी ये नहीं भाग रहा है, हम बोले ना इसको कहाँ है मोटा, इसको बिठाने से बीएचपी कम हो जाता है गाड़ी का। इमोशनल डैमेज क्राउड ना, पता है मेरे को ना पता नहीं आजकल ये उस टाइप का पावर नहीं दे रहा। जब मैं शुरू चलाता था ना डेटो ना, कुछ अलग सीन था भाई उसका। देखो मैं ऐसा ही पूरा वैली जैसे ही बस व्हीली स्टॉप करते हुए पार करता था, बट अब इसमें वो पता नहीं वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा मेरे को। एंड बहुत सारे लोग आगे बढ़ चुके हैं क्योंकि इतना ज्यादा क्राउड हो गया था ना वहाँ पे, सारे लोग रुक गए एंड पिक्चर्स ये वो, मतलब अच्छी बात है लेकिन स्वेटिंग होने लगता है मेरे को। भाई डेटोना इज लाइक इट्स अ प्रॉपर ट्रैक मशीन, ओके, एंड इसमें भाई ये मतलब एक एब्सोल्यूट ट्रैक मशीन है। मतलब क्या होता है ना कि जैसे इसका जो मतलब सिटिंग पोस्चर है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। आई मीन तुम लोग को दिखता होगा मे बी कि थोड़ा R15 टाइप का है, बट ऐसा नहीं है। R15 स्टिल अगर इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। एंड ये भाई हाथ दर्द देने लगेगा, कलाई दर्द देने लगेगा, तुम्हारा फोर आर्म्स दर्द देगा, कंधा दर्द देगा, सब कुछ दर्द देगा भाई, ये सीन है इसमें। एंड आज का मैं सीन बता रहा हूँ व्हाट हैपेंड इज कि भाई मतलब आज का हुआ ना कि हम लोग राइड करने पे सुबह सुबह राइड करने का प्लान था, एंड हम लोग सुबह उठ नहीं पाए, तो भाई क्या कर सकते हैं, मतलब सुबह नहीं उठ पाए क्योंकि मैं लॉन्च में था रात भर, एंड मैं थोड़ा सा ज़्यादा बिट वो था, मतलब हाँ लॉन्च, हाँ आई वॉज बिट हाई, तो इसीलिए मेरे को नींद जो आया ना भाई इतना प्यारा आया, मैं बोला कहीं नहीं जाना सुबह, शाम को बना लेंगे व्लॉग। लक्की जो व्हीलीज पॉप कर रहा है ना भाई, ही इज ऑन अ डिफरेंट लेवल। पता है वो पुलिस वाले लोगों ने हमें मतलब थोड़ा सा वो कर लिया, नोटिस कर लिया, तो आई गेस ये थोड़ा सा मे भी इशू हो सकता है, एंड आई प्रे टू गॉड के ना हो। मुझे नहीं पता कि जब पुलिस वालों के बगल से पार हुआ था लक्की, तो फिर वहाँ वो व्हीली स्टॉप कर रहा था या नहीं। एंड इसका देख रहे हो जैसे ही गियर शिफ्ट कर रहा हूँ ना, पूरा हैंडल एकदम इधर उधर डगमगा रहा है।
मैं बोल नहीं पा रहा क्योंकि मेरा आई मीन सोर थ्रोट, तो आज पूरा गर्दन मेरा छिला हुआ है एंड हाँ वो मेरी गलती से ही छिला है एंड उसका रीज़न मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ बिकॉज आई वाज इन द लॉन्च एंड आई वाज क्वाइट हाई सो इट इज़ व्हाट इट इज़ राइट। अब आज चुके हम लोग लीग में, काफ़ी दूर थे ये लोग एंड अब हम लोग इन लोगों के साथ चेस खेलेंगे, काफ़ी मज़ा आएगा। देख रहे हो हैं मेरे को बीट कर रहा है तारसी 200 से। भाई पतरातू में बहुत बुरा चेकिंग लगा हुआ है, ऐसे जाना पॉसिबल होगा नहीं होगा आई डोंट नो, मतलब आई थिंक हम लोगों को दूसरा रूट यूज करना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा चेकिंग हो चुका है। वापस आएंगे पक्का, पकड़ाएंगे यहाँ पे भाई। हाँ श्योर है, श्योर है, पकड़ाएंगे तो सही। भलाई इसी में ही है कि हम लोग उधर से घूम कर जाए वो एक राउंड रामगढ़ वाले साइड से, तब इट्स आई थिंक इट विल बी इजी फॉर अस। यहाँ पे भी चेकिंग लग जाती है पता है, इसीलिए इतना टेंशन लेके कौन राइड करेगा बताओ। मतलब तुम लोगों को दिमाग पूरा फ्री होना चाहिए ना राइड करने के लिए है, एंड इतना टेंशन लेके राइड करने में अच्छा थोड़े लगता है। लक्की को आगे जाने देते हैं एंड उसको लग रहा है उसने मुझे स्मोक कर दिया। हाँ इधर से वापस जाने का कोई सीन नहीं बनता भाई, नहीं जाएंगे इधर से वापस, हो गया सॉर्टेड भाई, यहाँ से जाना पॉसिबल ही नहीं है भाई। पब्लिक रिएक्शन देख रहे हो भाई, वीडियो बनाने के लिए लोग रुके रहे थे भाई, द फक इज गोइंग ऑन, कौन आ रहा बैंगर लेके इतना बड़ा। एक दिन ना ये पूरी क्राउड स्क्रीम करेगी मेरे आने से पहले, रेड साइक भाई, वो दिन आएगा और मैं लेकर आऊंगा। इतना भीड़ रहता ना इसीलिए कुछ करने का मन ही नहीं करता वापस से, देखो इसीलिए सुबह मेरे आने का राइड है। सुबह सही है भाई, सुबह यहाँ का सीन सही है ऐसे इस टाइम पे ना। इस टाइम पे ना भाई बहुत गुस्सा आते रहता है, मतलब हम ऐसा पूरा फुल थ्रॉटल व्हीलीज भी पुल नहीं कर सकते, आराम आराम से धीरे धीरे चलो। व्हाट इज दिस आई डोंट नीड टू बी काम व्हेन आई राइड, आई नीड टू बी फ्यूरियस व्हेन आई राइड। ओके अंदर से ऐसा महसूस होना चाहिए ना कि फ्यूरियस है हम। हर छोटे लीन टर्न में स्मॉल व्हीलीज पॉप होती है ना, इतनी प्यारी दिखती है। एंड आई गेस के आज शायद मतलब मेरा हाथ दर्द है घर जाकर, सच्ची दर्द दे रहा भाई, इनफैक्ट मेरे हाथ में ना चोट भी लगा हुआ है तो दर्द तो दे ही रहा है, तब गुस्सा भी आ रहा है। ट्रक है ना बे यार।
छोटा बच्चा भाई वीडियो बना रहा है एंड आप मुझे वापस जाने का टेंशन नहीं है, जाऊंगा कैसे, बिकॉज इतना सारा पुलिस था ना रास्ते में, पक्का दे स्पैमर्स कुछ ना कुछ करेंगे उन लोग। तो आई थिंक आई प्लान आउट अ वे कि ऐसा हम लोग ऐसे ऐसे घूमकर जाए पूरा रामगढ़ से, एंड अगर हो पाया पॉसिबल तो ब्लॉग भी कंटिन्यू करेंगे, तो ऐसे एंड नहीं हो पाया तो फिर भाई जैसे आए वैसे ही चले जाएंगे। एंड तुम लोग प्रे करना कि कुछ पकड़ाया पकड़ाए नहीं है, ऐसे भी तुम लोगों को तो नेक्स्ट ब्लॉग में ही पता चलेगा गाइस। पूरा बाइक गर्म हो गया भाई, दयाल मेरे ग्रुप का ऑफिशियल बोझ है, कोई इसे बिठाना नहीं चाहता भाई, देखो ना कैसे भगा रहे, देखो कोई बता, देखो इस वाली ड्यूक का वो फुटरेस्ट खुला हुआ है रेयर फुटरेस्ट, एंड उस वाली ड्यूक का भी रेयर फुटरेस्ट खुला हुआ है, बस हरीश की गाड़ी में और वो बिठाने वाला है नहीं, एडी में पूरे रास्ते इसको बिठा के लाए, गाली दे रहे इसको कि भाई गाड़ी भाग ही नहीं रहा, बीएचपी कम हो गया गाड़ी का। और लक्की बोलता है भाई, दयाल बोला कि हम तेरे पीछे बैठ के चलाएंगे, तो फिर लक्की बोलता है हम वहां बैठ के चलाएंगे जहां अभी बैठा है पिलियन सीट में, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। चलो ठीक है भाई, दयाल मिलते हैं भाई। बाबो वाह, जैसे अगर बेसिक स्पेसिफिकेशन दूँ एक डेटोना का, पहले व्हीली पहले व्हीली पहले व्हीली पहले व्हीली पहले व्हीली, तो अगर एक बेसिक स्पेसिफिकेशन दूँ डेटोना का तो इट्स अ 675 सीसी मशीन, और इसमें 128 बीएचपी है, एंड इसका एक मतलब इस ये इनलाइन थ्री है एक्चुअली, इट कम्स विद थ्री सिलेंडर, काफ़ी लोगों को लगता है कि चार सिलेंडर बाइक है, बट नहीं ये तीन सिलेंडर बाइक है, इसमें तीन सिलेंडर है, एंड इसका आवाज़ स्टिल काफ़ी लाउड है, बिकॉज ट्विन सिलेंडर में बाइक्स काफ़ी ज़्यादा लाउड नहीं होती, लेकिन ये थ्री सिलेंडर होके एक मतलब इनलाइन फोर के टाइप का तो साउंड दे देती है, ठीक है। एंड अगर तुम ध्यान से सुनो तो यह थोड़ा सा एच टू का आवाज़ रिमाइज करता है, मतलब ऐसे जो विस्लिंग साउंड है ना वो मतलब एच टू में जैसे होता है ना वैसे इसमें भी एक विस्लिंग साउंड है, तो देखो भाई क्या ना भाई, मतलब ऐसे लोग कुछ भी करवा देते हैं, हरा रंग का ड्यूक है वो, द फक इज रॉन्ग विद दीज पीपल, आई मीन मैं मजाक नहीं उड़ा रहा बट भाई हरा रंग का ड्यूक क्यों, क्या मजबूरी थी भाई उस लड़के की है? मतलब अच्छा लगता है व्यू इधर का, बस इतने ज़्यादा गड्ढे गड्ढे नहीं होते ना, और अच्छा दिखता, एंड यहाँ पे रुक के विल क्लिक सम पिक्चर्स, एंड तुम लोग ऐसे नज़ारा देख सकते हो, लुकिंग एब्सोल्युटली ऑसम, शाम का टाइम अच्छा दिखता है भाई।